जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका महंगाई भत्ता कोविड महामारी के कारण 1 जनवरी 2020 से फ्रीज कर दिया गया था 18 महीने के लिए, और जैसे ही 18 महीने पूरे हुए 1 जुलाई 2021 से आपका महंगाई भत्ता चालू कर दिया गया है। और ये जो महंगाई भत्ता आपको 17% मिल रहा था दोस्तों जनवरी 2020 तक, अब उसको 11% बढ़ाकर 28% के रेट से आपको ये 1 जुलाई 2021 से मिलना शुरू हो गया है। लेकिन इस पीरियड का आपका जो एरियर है वो नहीं दिया है, तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा झटका है उन कर्मचारियों के लिए जो इस पीरियड में पेंशन गए हैं, उनकी लीव एनकैशमेंट पर, उनके ग्रेजुएटी पर और उनके कम्यूटेशन पर, यानी कि उनके लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन ये क्लियर हो चुका है कि उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब रही सर्विंग पर्सनल की, जो कर्मचारी आज सर्विस कर रहे हैं और जो पेंशनर पहले से पेंशन ले रहे हैं, उनको एरियर मिलेगा या नहीं, तो दोस्तों इसके ऊपर ये 17 जुलाई 2021 को एक लेटर आया है जो कि नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा जी की तरफ से ये लेटर भेजा गया कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए और चेयरमैन नेशनल काउंसिल JCM के लिए। इन्होंने यहां पर 18 महीने के एरियर की मांग की है, और मांग क्यों की है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है। तो दोस्तों इन्होंने जिस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का हवाला दिया है वो आप यहां देख पा रहे हैं, ये सिविल अपील थी, SLP ये नंबर दिया है। जो भाई ये डिसीजन की कॉपी पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर ये नंबर डालेंगे, ईयर डालेंगे, तो आपके पास कॉपी निकल के आ जाएगी। वैसे आप ये हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, मैं लिंक दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन आया है श्रीमती दीनाबाई लक्ष्मी कामेश्वरी के केस में। तो दोस्तों श्रीमती दीनाबाई लक्ष्मी कामेश्वरी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया वो कुछ इस तरीके से है, जो एम्प्लॉइज जो सेवा दे चुका है उसके बदले सैलरी दी जाती है, यानी कि इन अदर वर्ड्स उसने कहा, इट कंस्टिट्यूट द राइटफुल एंटाइटलमेंट ऑफ द एम्प्लॉई एंड आर पेबल इन अकॉर्डिंग विद लॉ, यानी कि ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये कोई एहसान नहीं है। और यही दोस्तों पेंशनर के लिए कहा कि जो कर्मचारी जो एम्प्लॉई अपनी पहले सर्विस दे चुके हैं उसके बदले उनको पेंशन दी जाती है, तो ये उनका राइटफुल एंटाइटलमेंट है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, आप इसको रोक नहीं सकते। और दोस्तों यहां तक कहा कि जो पेमेंट करने में जो डिले हुआ है उसके बदले 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको पे करना चाहिए। तो दोस्तों इस केस का हवाला दिया है, जब एक केस में एक एम्प्लॉई को उसका एरियर दिया जा सकता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ सकता है, तो क्या आपके लिए नहीं? या फिर सरकार चाहेगी कि सभी कर्मचारी अपना जॉब छोड़े और कोर्टों के चक्कर काटे? ये एक विचार का विषय है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि शायद कोई अच्छा डिसीजन निकलेगा, सरकार इस पर विचार करेगी और आपको आपका एरियर मिलेगा। होप इन लाइफ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करने में क्या जाता है, इसलिए तो ये संघर्ष है। उम्मीद करते हैं कि आपको 18 महीने का एरियर मिलना चाहिए और मिलेगा। अब देखते हैं कि ये दोस्तों मोदी सरकार है, कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, इसलिए जब तक मिल नहीं जाता है तब तक हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए आपके एरियर के संदर्भ में, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।